फिजिक्स की आदर्श लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुथार फिजिक्स की आदर्श लेक्चर सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आवेशित चालक सतह पर लगने वाला विद्युत बल एवं दाब। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम दाब आदि के बारे में चर्चा करेंगे और जो ऊर्जा घनत्व का टॉपिक आएगा यहाँ पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो फिजिक्स है वो बहुत शानदार है, आप अगर इसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे ना तो मैं गारंटी से कहता हूँ टॉपिक आपको जिंदगी में भूलने की नौबत ही नहीं है इस टॉपिक के बाद। ठीक है, ये तो हम आज कर लेंगे। इसके आगे मैं बताता हूँ कि आज का जो टॉपिक हमारे पास जो लेसन नंबर टू का सेकंड लास्ट टॉपिक है, मतलब लेसन नंबर टू भी अब समाप्त होने वाला है, तो उसके बाद उसके न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको 5 या 10 दिन के अंदर मैं आपको क्या करूंगा कि जैसे जैसे लेसन नंबर फर्स्ट है उसके 3 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डीपीपी प्रोवाइड कर दी जाएगी, डीपीपी सॉल्व करो और हाथों हाथ उसके आंसर हमें दो, फिर 3 से लेकर 6 तक के वीडियो को सॉल्व कर लें, उसके देखने देखने के बाद उसकी डीपीपी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके आंसर हमें सॉल्व करके दो फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ सके और अपने जो समय है उसको यूज करते हुए लेसन नंबर 1 और 2 को पूर्णतः कंप्लीट कर सके। देखो, लॉकडाउन के बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो लेसन नंबर 3 होगा, हालांकि मैं इसके बीच में आपको टॉपिक जो लेसन नंबर 1 और 2 है वो मैं पूरा करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं हमारे को आगे और आगे बढ़ते। देखो, आज का तो हमारा टॉपिक है आवेश चालक सतह पर लगने वाला विद्युत बल, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक क्या कहता है, देखो हमने क्या करना है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, जो आवेश हमने दिया है वो आवेश उसके चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। चालक के किसी एक अल्पांश पर लगने वाला विद्युत बल होगा, चालक के किसी एक अल्पांश पर संपूर्ण गोले के कारण बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा। तो मतलब मैंने क्या कहा कि चालक का जो संपूर्ण किसी अल्पांश, मतलब हमने जो चालक बोला दिया उसे किसी अल्पांश ले लिया, ये इसका अल्पांश है, इस अल्पांश पर ये जो बाकी गोला था उस पर जो चार्ज दिया गया था उसके कारण क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि इस पर भी क्या है प्लस आवेश ही है इस अल्पांश पर भी। ये हमने बाकी प्रश्न इसका ले लिया, तो इस अल्पांश पे जो लगने वाला बल है वो क्या, वो प्रतिकर्षण बल होगा, वो बाहर की ओर क्या करेगा, कार्यरत करेगी, हमें वो क्या निकालना है, उस बल को ही निकालना। ठीक है, देखो ये जो चालक पृष्ठ है वो बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना है, अतः चालक पृष्ठ पर कार्यरत कुल बल होगा वो सभी अल्पांशों पर कार्यरत प्रतिकर्षण बल के सदिश योगफल में क्या होगा, तुल्य होगा। तो एक लाइन ले देते हम, चूंकि चालक पृष्ठ बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना है, अतः बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना है, अतः चालक की सतह पर कार्यरत कुल बल सभी
अल्पांशों पर कार्यरत बलों के सदिश योगफल के तुल्य होगा। मतलब इसमें जो जो कुल कार्यरत बल है वो सभी अल्पांशों पर कार्यरत बल पे क्या होगा, योगफल के तुल्य होगा। सभी अल्पांश में निकालने के लिए हम समाकल विधि का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे जो अल्पांश है, ये पूरा जो गोला है उसके कारण इस अल्पांश पे कितना बल लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। अगर वो हमने निकाल दिया तो समाकलन की विधि द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण गोले पे कितना बल लगेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए पहले मान लेते हैं, माना चालक आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। ठीक है, तो इस आवेशित चालक गोले के पृष्ठ से सममित दूरी पर अंदर में बाहर में क्या किए, दो बिंदु की कल्पना की। क्या लिखना, देखो, तो इस आवेशित चालक गोले के पृष्ठ से सममित दूरी, सममित का मतलब जितनी बाहर होगी उतनी क्या होगी अंदर, सममित दूरी पर बाहर व अंदर, बाहर व अंदर क्रमशः P1 व P2 बिंदु की कल्पना की। चलो ठीक है, हमने क्या किया, अब मैं इसको थोड़ा मिटा करके दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज के बारे में। ये मैंने आवेशित चालक गोला लिया, इस आवेशित चालक गोले पर मैंने क्या दे दिया, आवेश दे दिया, ये हमने इसके क्या ले लिया, कल्पांश ले लिया। अब इसके सेंटर ये रहा हमारे पास, इससे सममित दूरी पर ये मैंने क्या मान लिया, P1 पॉइंट ले लिया, इसके अंदर जो है वो कौन सा ले लिया, P2 पॉइंट ले लिया। ठीक है, P1। तो अब हम क्या करेंगे, इस चालक गोले के P1 बिंदु पर और P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः अब P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस तीव्रता कितनी होगी, ई पी वन पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, देखो तो अपने पता चालक गोले के कारण KQ बाय बाहर दूरी पर अंदर दूरी आर स्क्वायर मानू या सेंटर से, तो कितना जाएगा KQ बाय आर स्क्वायर। अब हम देखा जाए KQ बाय आर स्क्वायर को मैंने खोल दू तो 1/4 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखो बेटा क्यू कौन निकल सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। देखो K/4 पे एप्सिलॉन नॉट को मैंने ले लिया, ऐड ले लिया, देखो ये तो बन जाएगा एरिया, ये बन जाएगा चार्ज। तो एरिया आवेश बटा चार्ज क्या होता है, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ई पी वन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो जो होगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P2 बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये तीव्रता ई पी टू होगी। अब देखो बेटा अंदर चालक की गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसका टॉपिक हमने पहले पढ़ा है, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। तो अब ई पी टू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन अपॉन में कूलम। ये क्वेश्चन दे दी मैंने 2। अब ये हमने क्यों निकाला वो आगे और समझ में आएगा, पर इससे पहले हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, इस चालक गोले को दो भागों में विभक्त कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हमने इस चालक गोले को दो भागों में में
विभक्त कर दिया। कौन कौन सा बेटा ये सुनना, पहला ये हमारे पास ए बी अल्पांश, ठीक है, कौन सा ए बी अल्पांश, अल्पांश जिसका क्षेत्रफल जो हमारे पास है वो डीए है एवं इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो शेष, अब गोला भाग दो ए, इसको मैंने मान लिया सी और ये कितना आ गया बी, मतलब क्या हुआ कि एक तो ये तो रेडियल पाथ है तो वो ले लिया, इसके अलावा मैंने क्या ले लिया जो शेष भाग है, तो अभी हम क्या निकालेंगे दूसरा भाग, ए सी बी गोले का शेष भाग, गोले का शेष भाग इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब हम क्या करेंगे, देखो सुनना मेरी बात को, अब मैंने क्या किया कि इन अल्पांशों के कारण, अल्पांश मतलब कौन कौन से अल्पांश, एक तो ये तुम्हारे पास डी अल्पांश है और ये शेष गोला, इन दोनों के कारण बिंदु P1 पर और बिंदु P2 पर हम क्या निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। तो देखो अब क्या निकालेंगे, इन दोनों भाग के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P1 पर निकालेंगे तो वो तो इस तरफ आ जाएगी, बिंदु P2 पर निकालेंगे वो हमारे इस तरफ आ जाएगी। अब देखो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होगी, उसके बारे में देखा जाए तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मानी E P1, E P1 रियल में कितना है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या निकालना है E1 A2 कैसा आएगा, तो आप एक बात सुनना बेटा कि अगर मैं इसको लूं बस केवल ए बी अल्पांश को, तो एक बार के लिए मुझे इसको पूरा भूलना पड़ेगा, तो ए बी अल्पांश तो एक सीधा परत चालक गोले का अल्पांश भाग है, बहुत छोटा तो बहुत छोटा सीधा होगा, तो चालक गोले के कारण बिंदु पी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मानी, देखो इसकी तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी धीरे धीरे से लंबवत बाहर की ओर, तो ये देखो हमारे पास कौन सी है E1 जो अल्पांश के कारण है। अब देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो बताया क्या शेष गोला, तो शेष गोले के कारण जो त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है त्रिज्या दिशा में लंबवत बाहर की ओर, तो शेष गोले के कारण बिंदु पी पर तीव्रता होगी बिंदु P1 पर, वो भी किस तरफ होगी बाहर की ओर होगी, ये बिंदु P1 पर भी क्या होगी बाहर की ओर होगी, तो इसका मतलब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो हमारे पास जो तीव्रता आएगी अगर उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो हमारे पास कितना आ जाएगा E1 वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा E2 वेक्टर आ जाएगा, थीटा हमेशा जीरो इसके बीच में, तो जो नेट आएगा वो भी कितना आ जाएगा E P1 बराबर E1 प्लस E2 और ये कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर दी थी मैंने इसको दी थी, आगे कुछ दे रखी इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे रखी इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे एनकेफ ले सकते हैं एनकेफ पृष्ठ के लंबवत इक्वेशन दिए। अब इसी प्रकार P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P2 बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है EP2 बराबर 0 और ये कितना होगा देखो सुन, ये जो तीव्रता होगी देखो मेरी बात सुनना, इस अल्पांश के कारण जो तीव्रता होगी वो तो उस तरफ होगी, क्योंकि अल्पांश पे अगर मैं इसको मिटा दूं पूरा एक बार के लिए तो अल्पांश के साथ इधर भी होगा, तो अगर अल्पांश के कारण तीव्रता दिशा किस तरफ होगी E1 इस तरफ, जबकि चालक गोला हमारे पास जो है इस चालक गोले के कारण तीव्रता होगी बिंदु P पर, वो किस तरफ जाएगी बाहर की ओर, क्योंकि हमने क्या किया इसका सारा जो पार्ट था ना इसका जो यहां से लेकर यानी कि इसका ए सी बी उसको एक जगह केंद्रित मान सकते हैं, अगर केंद्रित मानू तो इसकी तीव्रता किस तरफ होगी इस तरफ, इसका मतलब बिंदु P2 पर देखा जाए बिंदु P2 पर तीव्रता की देखी जाए तो E1 तो किस तरफ होगी इस तरफ, E2 किस तरफ होगी इस तरफ। अब E1 E2 क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो E2 माइनस कितना आ जाएगा E1 और ये हमारे पास आ गया, तो यहां से हमने क्या किया E1 जो है वो E2 के क्या आ गया
बराबर आ गया इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फोर का जो मान है वो इक्वेशन नंबर थ्री में रख देते हैं, तो इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन थ्री से, फोर में इक्वेशन थ्री से, तो फोर से हमने क्या किया, इवन का मान रख दिया ई टू, तो इवन किसके बराबर, ई टू के बराबर, हमारे पास ई टू और ये आ गया ई टू, और ये हमने सिग्मा अपॉन डेल्टा ले लिया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई टू निकालना बस केवल, ई टू की तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने ये क्यों निकाला ई टू का मान, अब मेरी बात सुनना, हमें क्या निकालना है, आवेश चालक सतह पर लगने वाला विद्युत बल, तो सभी अल्पांशों के सदिश योगफल के तुल्य होते हैं, मैंने पहले लिखवा दिया था यहाँ पर, सभी अल्पांशों के सदिश योगफल के तुल्य होता है, तो एक अल्पांश पर कितना बल लगेगा पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। देखो हमने तो एबी अल्पांश लिया, इस एबी अल्पांश पर तीव्रता कौन लगाएगा, बल वो लगाएगा शेष भाग, ये हमने पहले लिखा दिया था, किसी एक अलग अल्पांश लगने वाला बल जो होगा वो संपूर्ण भाग के कारण होगा, तो यहाँ पर जो ये जो पूरा भाग है ए सी बी वो इस अल्पांश ए बी पर कितना बल लगा रहा है, तो इसके लिए हमें अल्पांश पर चार्ज चाहिए और इसकी तीव्रता सही है, मतलब ये जो भाग है ए सी बी इसकी तीव्रता मैंने कितनी मानी थी, हमने इसकी तीव्रता मैंने मानी थी ए सी बी शेष भाग है उसकी क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती है ई टू, इस ई टू की वैल्यू हमें क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी, जो हमने क्या कर दी हमारा फाइंड आउट कर दी। तो हमारा जो मेन मुद्दा था अभी तक करने का टॉपिक में उसमें हमने ई टू का मान निकालना था, क्यों, क्योंकि जो अल्पांश में जो बल लगेगा वो ई टू के कारण लगेगा, ठीक है, हमने ई टू का मान निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, हमें अगर इसके ऊपर चार्ज पता होना इसके ऊपर इस ए बी अल्पांश पर, तो मैं ए बी अल्पांश पर लगने वाला बल निकाल सकता हूं, और यदि मेरे पास एक बार ए बी अल्पांश पर लगने वाला बल आ गया है ना, तो उसके बाद बस मैं समाकलन करूंगा, क्योंकि बॉडी पूरी की पूरी सिमेट्री है, बॉडी सिमेट्री होती है तो हम समाकलन कर सकते हैं, अगर बॉडी कुछ ऐसी कुछ पत्थर का टाइप की शेप की होती कुछ ऐसा होता तो समाकलन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसमें कम समाकलन मिला नहीं है, फिर हमें अल्पांश को जोड़ना ही पड़ता, तो हमारी बॉडी सिमेट्री है, कुछ नहीं हम कर देते। अब मैंने क्या माना, देखो सुनो, माना ए बी अल्पांश पर, ए बी अल्पांश पर उपस्थित आवेश डी क्यू हो तो, अब ए बी अल्पांश पर उपस्थित आवेश डी क्यू हो तो डी क्यू होगा कितना, डी क्यू जो होगा वो कितना होगा सिग्मा इंटू कितना होगा बी ए। अब सर ये कैसा आया अभी बताते हैं, देखो ये सिग्मा तो हमें पता है इसका क्या है पृष्ठ आवेश कहना, तो जो हमने पहले ही मान लिया जो हमने माना था कि इसका पृष्ठ का ये, और ये जो था वो देखो ए बी अल्पांश जिसका क्षेत्रफल कितना है डी ए, तो ये हमारा क्या निकाल दिया आवेश निकाल दिया। अतः अब हम क्या निकालेंगे, अतः ए बी अल्पांश पर, ए बी अल्पांश पर कार्यरत कार्यरत विद्युत बल, और वो विद्युत बल कितना होगा, अल्पांश के एक बल लगेगा बेटा अल्पांश ही लगेगा, वो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई टू, और कितना आएगा डी क्यू। देखो बेटा ई टू क्यों ने वो पता ही है, क्योंकि जो अल्पांश में बल लगेगा वो पूरा संपूर्ण गोला लगाएगा संपूर्ण गोले के द्वारा अल्पांश को छोड़ करके, तो हमने क्या लेना पड़ेगा ई टू लेना पड़ेगा। अब कुछ नहीं बेटा ई टू का मान रखना है, इसका मान रखना आपने को, तो ई टू का मान रख दो उसके अंदर, तो ई टू मान कितना सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, पहली बात तो। अब इसके अलावा देखा भी हमने डी क्यू मान कितना सिग्मा इंटू डी ए, तो यहाँ पे डी एफ जो बल आएगा वो कितना आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी ए, ये हमने अल्पांश के कारण बल निकाल दिया। अब ये जो बाकी सारा टॉपिक है वो मैं यहां कर रहा हूं के लिए, ठीक है। अतः संपूर्ण गोले पर, संपूर्ण गोले पर कार्यरत कुल विद्युत बल, विद्युत बल तो कुल विद्युत बल कितना होगा डी एफ, हमें एफ निकालना है, एफ होगा कितना बेटा समाकलन होगा पूरा पूरा किसका डीएफ का, डीएफ का मान हम यहां से रखें तो बेटा कितना आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन, और कितना आ जाएगा डी। अब आप चाहो तो क्लोज लगा सकते हो, क्योंकि जो प्रश्न है वो पूरा पूरा क्या है बंद है, जब पूरा प्रश्न बंद होता है तब हम क्या कर सकते हैं क्लोज इंटीग्रल यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, यहां भी लगा सकते हो। अब हमने क्या करना है कि इसको देखो ई का जो मान है वो पहले कितना था, तो E के मान को हमें क्या कह सकते हैं
ई के पदों में भी ले सकते हैं। देखो चालक के कान जो तीव्रता होती है, अगर मैं बात करूं चालक गोले के कान तीव्रता तो होगी वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करने वाले हैं, अब देखो मैंने क्या किया एप्सिलॉन नॉट से गुणा, ये हमारे पास बल निकाल दूंगा, ये आगे समीकरण नंबर दी थी, ये दे दी मैंने 7 और ये आगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब अगर हमारे पास बल है तो दो चीज कॉन्स्टेंट है, समाकलन से पहले बाहर निकाल दीजिए, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और कितना आएगा क्लोज इंटीग्रल डी। अभी मैं डीए का मान लिखने वाला पकड़ 4πr² हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 8, इसको ले लीजिए। अब निकालेंगे अतः चालक की सतह पर आरोपित दाब, ये दाब कितना होगा, दाब होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अगर मैं इसको एक बार के लिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना देगा 4πr². ठीक है, तो बल कितना है हमारे पास, वो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और 4πr², और चालक गोले क्षेत्र पर कितना है 4πr², इससे ये कर देगा पूरा पूरा, तो जो दाब आएगा वो कितना देगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाले, विद्युत दाब निकाल दिया, विद्युत बल भी हमने निकाल दिया। अभी जो विद्युत दाब और विद्युत बल है वो सिग्मा के पदों में, मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में इसका मान निकालना चाहता हूँ, उसके लिए हम आगे करते हैं। अब हमने जो विद्युत दाब का सूत्र निकाला है वो दाब का सूत्र पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में, मैं इस सूत्र को तीव्रता के पदों में लाना चाहता हूँ, तो इसको कैसे लाएंगे हम उस चीज के बारे में देखते हैं। तो देखो बेटा चालक गोले का किसी बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि E बराबर कितना होता है KQ1 में R2। अब आपको थोड़ी चीजें इसको खोलूं तो 1/4π और R2 ले लूं और Q अगर ये Q और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/εr ले लूं तो Q/4πr² ये क्या बन जाएगा उसका सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो यहाँ से हमने क्या किया सिग्मा का मान निकाल लिया, सिग्मा का मान निकालेंगे बेटा कितना आएगा सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट ई, ये हमारे पास आगे इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन 9 का मान इक्वेशन 8 में रखने पर, तो 8 में रखने पर हमारे पास कितना आ जाएगा ई बराबर विद्युत दाब जो आएगा उसमें सिग्मा रखे तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E का स्क्वायर बटे में कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट जाएगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया विद्युत दाब जो था वो तीव्रता के पदों में आ चुका है, इसे मैं दे दी क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्या करते हैं कि आपकी जो बुक के कुछ आंकिक प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा आपका आंकिक प्रश्न रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 5, आंकिक प्रश्न 5वां। इसमें हमने क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, गिवन में दे रखा है कोई अनंत रेखीय आवेश, मतलब एक तार है उस पर आवेश दे रखा है और आवेश में नहीं दे रखा, उस तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी, तो R बराबर 2 सेंटीमीटर बोले तो 0.02 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 9×10⁴ वोल्ट अपॉन में मीटर। तो हमें क्या निकालना है तार का रेखीय आवेश घनत्व निकालना, टू फाइंड आउट हमारी प्रॉब्लम का आज का टॉपिक है, उसमें हमने क्या निकालना है टू फाइंड आउट हमें लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है 2K λ अपॉन में कितना होता है R, यहां से अगर लैम्ब्डा सूत्र देखे तो ER डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2K। अब ई आर कितना, ई का मान है 9×10⁴ इंटू आर का मान क्या है 0.02 डिवाइडेड बाई 2×9×10⁹। ये हमारे पास के की वैल्यू होती है, इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हमने उड़ाया 0 तो ये इसको दो का 2 बनाए तो नीचे कितना आ जाएंगे 2 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा इस 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट 10⁴ इंटू ये जो 9 2 कितने होंगे 11 ऊपर जाएगा माइनस का 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 11 में से 4 आने पर हमारे पास बच जाएंगे 10⁴
माइनस आठ, ये हो जाएगा हमारे पास कूलम अपॉन में मीटर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौ क्या कह रहे हैं, नौ हमें क्वेश्चन नंबर ये कह रहे हैं कि एक 9 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम का कण, इसका मतलब गिवन में हमें उसका द्रव्यमान दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है m, m द्रव्यमान दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ग्राम। बोले तो कितना आ जाएगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 3 इसके होते हैं, 5 इसके होते हैं माइनस की 8 केजी हो जाएंगे। कहे कण समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत, मतलब वो कुचालक परत है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व हमें दे रखा है सिग्मा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व इसके पावर माइनस 5 गुलाम अपॉन में मीटर स्क्वायर दे रखा है कि कुछ ऊपर रखा गया है। कण पर आवेश कितना हो किसी स्वतंत्र छोड़ने पर नीचे ना गिरे, ये चीज क्या है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को समझना। ये कह रहा है हमारे पास एक कुचालक परत है, ये कुचालक परत है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व में इस क्वेश्चन में दे रखा है। इस कण का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है एम, तो द्रव्यमान के कारण नीचे क्या रख देगा, वेट फोर्स W बराबर कितना होता है mg, क्योंकि ये परत क्या है कुचालक है, कुचालक है। और एक बात और कि अगर आपको अंकित प्रश्न के अंदर कहीं भी परत के बारे में दे दे और वो नाम ही ना दे कुचालक चालक, तो आपको हमेशा कुचालक ही मानना है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब इस आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो लंबवत भार की होगी, तो ये इंटेंसिटी ऊपर की ओर जाएगी, तो यहाँ पे E जो होगा चालक कुचालक के लिए वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, वो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें तो उसमें बल निकालना है, तो बल कितना होगा अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा बल, तो यहाँ पे मैंने इसको आवेश से गुणा कर दिया, आवेश से गुणा करने पर वापस संतुलन की स्थिति लगेगी, तो देखते हैं बेटा संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में कितना होगा mg जो होगा वो किसके बराबर होगा सिग्मा अपॉन सिग्मा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इस पर कितना आवेश होना चाहिए 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना देगा हमारे पास मल्टीप्लाई में mg अपॉन में कितना देगा सिग्मा क्यू बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, एम कितना दे रखा है इसका, एम दे रखा है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू जी कितना दे रखा है 10 या 9.8 के दो, सिग्मा हमारे पास दे रखा है कितना 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्यू को, ऊपर ले जाने पर देखो 2 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 9, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो देखो यहाँ पे 10 टू किसका है जी का, ठीक है ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10 की पावर 6, तो यहाँ से हमने इसको टाल दिया तो ये कितना 10 की पावर 6, इस 6 प्लस की भी इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10 की पावर माइनस 2, तो यहाँ पे कुल कितना देगा माइनस 2 और माइनस 12 कितना देगा 10 की पावर 14। गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा, सॉरी इसका जो आंसर वो मैथ नहीं कर रहा है, इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे जो सिग्मा दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 5 गुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो अगर ये सिग्मा का मान मैं यहाँ रखू तो बता देगा 5 और बाकी पावर मैंने सोल्व कर दी थी, अभी जो आंसर आएगा वो डिवाइड में 5 है, इसको सोल्व करने पर ये आएगा 31.2 इंटू 10 की पावर माइनस 14, इसे एक क्यों निकाले हमारे पास तो 3.12 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलम हमारा आंसर आ जाएगा। ये आज के हमारे लेक्चर सीरीज का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास ऊर्जा घनत्व से रिलेटेड होगा, और कल ही हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को कंप्लीट कर ले, परसों तो हमारी प्रॉब्लम्स रहेगी पूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में रहेगी, और 2 या 3 दिनों के अंदर हमने क्या करना है इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक बात कि जो वीडियो आपने पिछले नहीं देखे उन वीडियो को जल्दी से जल्दी देख करके कंप्लीट करो, क्योंकि डीपीपी जब प्रोवाइड की जाएगी तो डीपीपी के आंसर केवल उन्हीं से सॉल्व होंगे जिन्होंने उन टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ा, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक पर आपको कम से कम 5-5 ऐसे न्यूमेरिकल प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जो नहीं आए तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना हमारा, वो आपका काम रहेगा, मेरा काम जितना है मैंने प्रॉब्लम पूरा कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपना वर्क बहुत अच्छे तरीके से करोगे, और इस जो लॉकडाउन के माहौल में हम ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स का ज्ञान गेन कर सकते, हमारा उद्देश्य ये। दूसरी चीज कि
ट्वेल्थ के अंदर थ्योरी कर लोगे, मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी आप थोड़ा बहुत हट लोगे, कुछ इंपोर्टेंट मैं बता दूंगा, कुछ इंपोर्टेंट आपके उस एलन के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे, कुछ सीएलसी के आ जाएंगे, तो उनसे आपको कवर करके, तो थ्योरी तो कवर कर लोगे, बट न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे नीट और पीएमटी की तैयारी करने आगे जाएंगे फ्यूचर के अंदर, तो उनके लिए वो बहुत कारगर साबित होगा। तो जब भी कोई डीपीपी दी जाती है, तो जो बच्चे डीपीपी के आंसर सेंड करते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काबिल तारीफ बच्चे रियल में। और वो बच्चे मुझे लगते हैं कहीं ना कहीं पीएमटी नीट या नीट के अंदर हो गए या जेईई मेन के अंदर होंगे, वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो जाए। और बाकी बच्चे जो नहीं कर रहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने साइंस ली है उनका पूरा भरपूर उपयोग करें, और जो आपने सब्जेक्ट लिया है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनका एकदम सही से उपयोग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए अगेन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।